के पार्ट सेकंड में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले आपने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं दिखाया तो वो आपको आगे मिल जाएगा। एंड मैंने आज तक कोई भी ड्रामा ऐसे बीच में ख़त्म करने की बात कभी रिस्टार्ट किया नहीं, बट इसे करने का मेरा बहुत दिल किया तो यार मैंने इसे कर दिया। आई डोंट नो कि मैंने क्यों किया, क्योंकि एक न्यूज़ को पढ़कर बहुत ही ज़्यादा शौक होती है। उसमें लिखा हुआ था कि दरअसल बॉक्सू ने अपने एक फैन को बचाने के लिए कुछ बुरे लोगों को मारा, और ये बुरे लोग कोई और नहीं बल्कि जीरो ही था जिसको नांगशान पसंद करती है। अब जैसे वो पसंद करती है उस बंदे के बारे में ऐसी बुरी बुरी बातें सुनेगी तो उसे थोड़ी अच्छी लगेगी। इसके बाद वो यहाँ पर कंपनी के डायरेक्टर से मिलने के लिए जाती है और इस बात के लिए ये बहुत ही सुनाती कि आखिर उन्होंने इतनी बड़ी गलती कैसे की, वो जीरो को विलेन कैसे बता सकते हैं। तभी यहाँ पर उसके डायरेक्टर से चुप रहने के लिए बोलते हैं, बिकॉज़ वो डायरेक्टर है वो छोटी मोटी कली। इसके बाद वो बॉक्सू के घर पर जाती है, यहाँ पर जेनजन से बैठने के लिए बोलता है और कहता है कि मैंने सुना कि तुमने डायरेक्टर को डांट दिया। तभी जेनजन कहती है कि हाँ, ये इतनी बेकार सी न्यूज़ लिखेगा तो वो यही डिजर्व करते हैं। यहाँ पर बॉक्सू कहता है कि तुम तो बहुत अमेजिंग हो यार, मुझे ना तुम्हारा एटीट्यूड बहुत पसंद आया। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ और रहना चाहिए ताकि तुम उस डायरेक्टर को ऐसे ही डांट सको, जो भी मेरे आसपास आए उसको भी। यदि मैं पागल हूँ सबको डांटती रहूँगी। उसके बाद जैन जैन यहाँ से भी इरिटेट होकर जाने लगती है। यहाँ पर बॉक्सू से रोकता है और उसे एक गिफ्ट देता है। दरअसल एक जैन जैन के लिए नहीं होता बल्कि उसकी पुरानी असिस्टेंट के लिए होता है, जो कि काम छोड़ के चली गई होती है, बिकॉज उसे ऐसा फील होता था कि वो बॉक्सू के लिए सफिशिएंट नहीं है, वो उतनी स्मार्ट नहीं है जितना कि बॉक्सू के असिस्टेंट को होना चाहिए। तभी वो कहता है कि उसे दे देना, मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी असिस्टेंट थी और वो मेरी हर बात मानती थी बट तुम नहीं मानती। फिर हम जैन जैन को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड और जीरो के साथ डिनर पर जाती है। चारों डिनर कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर जैन जैन की फ्रेंड शिया युआन जीरो को बताती है कि जैन जैन सारे दिन सिर्फ तुम्हारे बारे में बात करती है, और जो भी बात करती है ना एकदम बहुत ही अच्छी बातें करती है। तभी यहाँ पर जीरो कहते हैं कि क्या क्या बातें करती है। तभी युआन कहती है कि ज़्यादा इंटरेस्टेड मत हो, बट जो भी करती है ना मतलब बहुत ही अच्छी। मुझे तो लगता है कि जैन जैन को तुम बहुत ही ज़्यादा पसंद हो। यहाँ पर जैन जैन उसे चूटी कार उसे रोकने के लिए होती है और कहती है कि बस कर यार, सब कुछ यही पे बोल देगी। यहाँ पर वो कहती है कि ठीक है मैं कुछ नहीं बोल रही, ये सब तो जैन जैन बोलती थी मुझसे, इसलिए मैंने ऐसे कह दिया। अब पता है सभी अपना डिनर खत्म करके अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम बॉक्सू को देखते हैं जो कि अपनी एक्टिंग साइड पे होता है। यहाँ पर वो एक ड्रामा की शूटिंग के लिए यहाँ पर आया था। उस ड्रामा की फीमेल लीड जबरदस्ती बॉक्सू के बैन में घुस जाती है और साथ में जैन जैन को भी वहाँ से भगा देती है। तभी जैन जैन बाहर चली जाती है और क्योंकि उसे लंच करना था। यहाँ पर जो वेवी रहती है वो तो बॉक्सू से चिपकने की बहुत कोशिश करती है और कहती है कि बॉक्सू आई थिंक यू आर सो हैंडसम। बॉक्सू से दूर हटता है और कहता है कि बस भाई दूर रहना, इतना चिपकने की जरूरत क्या है। यहाँ पर वो बॉक्सू से कहती है कि बॉक्सू दरअसल आई एम योर बिगेस्ट फैन इन दिस वर्ल्ड। यहाँ पर वो कहती है कि मुझे ना तुम पे बहुत ही बड़ा क्रश है, क्या हम दोनों डेट कर सकते हैं। दरअसल वो बॉक्सू को प्रपोज करती है बट बॉक्सू से इंस्टेंट रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि आई एम सॉरी बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। इसके बाद वही गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम देखना तुम बहुत पछताओगे। तो बॉक्सू कहता है कि प्लीज अभी तो दूर हटो, मैं इसके लिए बहुत पछता रहूंगी, मैंने तुम्हें इंटर करने दिया। इसके बाद वो बाहर चली जाती है। तभी जैन जैन अंदर आती है और कहती है कुछ हुआ क्या। तभी बॉक्सू कहता है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन बम तो अब फूटने वाला था। कुछ टाइम बाद ही एक बहुत ही बड़ा आर्टिकल इस बात पर लिखा जाता है कि वेवी और बॉक्सू एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और ये दोनों स्टार्स के बीच में कुछ चल रहा है। इसके बाद क्या था, ये बात आगे तरह फैल जाती है बिकॉज आइडल्स की डेटिंग ट्यूमर तो बहुत ही ज्यादा तेजी से फैलती है और इतनी सारे तरीके से फैलती है कि उस आग को कभी नहीं रोका जा सकता, लाइक वी एंड जेनी, तो वो हम अच्छे से जानते हैं। एंड नो मोर कमेंट्स ऑन वी एंड जेनी। दरअसल मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ, बट फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ओके। डेटिंग रूमर के बाहर आने के बाद जब बॉक्सू अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलता है तो इसे बहुत सारे रिपोर्टर एक साथ घेर लेते हैं। और हम बता दें तो बॉक्सू को मीडिया से फोबिया है। जैसे ही कैमरे की फ्लैश लाइट को देखता है उसे अचानक से पैनिक अटैक आने लगता है। आफ्टर दैट वो जैसे तैसे अपनी बिल्डिंग वापस एंटर कर जाता है और यहाँ पर जैन जैन भी उसकी हेल्प करने के लिए उसकी बिल्डिंग में जाती है और जैसे तैसे उन रिपोर्टर से बचते बचाते ऊपर तक बॉक्सू तक पहुँच जाती है। बॉक्सू को बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही थी और उसे बाहर जाना था, पर रिपोर्टर्स की वजह से वो बाहर नहीं जा पाता। यहाँ पर रिपोर्टर्स उसके घर के बाहर तक आ जाते हैं जो कि एक एक तरह से प्राइवेसी वायलेंस का क्राइम कर रहे थे। यहाँ पर बॉक्सू कहता है कि इन सभी को भगाओ। जैन जैन कोशिश करती है बट उससे ये सब नहीं होता बिकॉज वो बहुत सारे थे और वो तो बताने क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जैन जैन और बॉक्सू का भी कुछ चल रहा है क्या। तभी यहाँ पर बॉक्सू उसे वापस अंदर खींच लेता है। बॉक्सू की तबीयत खराब होना स्टार्ट हो जाती है, उसे वॉमिट हो जाते हैं और इसके बाद कुछ टाइम बाद ही वो वहाँ पर एंजाइटी के मारे बेहोश हो जाता है।
है, पर जंजन उसे चेक करती है और कहती है कि यार यू ऑल राइट। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है बिकॉज बॉक्स वो हिल भी नहीं रहा था। अब दैट वो उसे CPR देने वाली होती है, इतने में बॉक्स वो जाग जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि आई एम हैंडसम बट ऐसे ही थोड़ी गए तुम मेरा फ़ायदा नहीं उठा सकती। तभी जंजन उठ जाती है और कहती है कि ओ आई एम रियली रियली सॉरी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, बस मैं तुम्हें उठाना चाहती थी, तुम ओके हो ना? ओ माई गॉड, आई होप यू ऑल राइट। उसके बाद स्टार एंटरटेनमेंट के लोग वहाँ पर पुलिस को भेजते हैं जो कि उन सारी मीडिया और रिपोर्टर्स को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद बॉक्सू की जान कम से कम बच जाती है। जैसे हम उस एक्ट्रेस बेबी को देखें तो उसका इंटरव्यू लिया जाता है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि दरअसल मैं और बॉक्सू डेटिंग कर रहे हैं, ये तो मैं नहीं बता सकती बट हमारा रिलेशन बहुत ही ज़्यादा प्योर है। इसके बाद वो भाग जाती है। यहाँ पर बॉक्सू जब इस इंटरव्यू को देखता है तो उसे गुस्सा आता है और कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी इंटरव्यू देने की। इसके बाद जंजन कहती है कि रिलैक्स रिलैक्स, हम लोग कुछ कर लेंगे। यहाँ पर कंपनी भी परेशान होती है और जैसे तैसे इस मामले को सुलझाने के रास्ते ढूंढने लगती है। अगले दिन बॉक्सू को अपनी न्यू MV की शूटिंग करने के लिए मैक्सिको जाना होता है। यहाँ पर जंजन भी उसके साथ जाती है। जंजन के कपड़े इतने अच्छे नहीं रहते बिकॉज वो काफ़ी फॉर्मल कपड़ों में आई थी। इसके बाद बॉक्सू उसे पास वाले मॉल में ले जाता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम मेरे साथ मैक्सिको जाने वाली हो और वहाँ पर हर तरह से मीडिया में घिर रहेगी, हर कोई मेरी फोटो खींचेगा, तो तुम ऐसे कपड़ों में मेरे आसपास नहीं घूम सकती। इसके बाद उसे ड्रेस पिक कर देता है और कहता है कि ये तुम पे अच्छी लगेगी। तभी जंजन को लगता है कि शायद बॉक्सू उसके लिए पे करने वाला है बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, उसके बजट से तो बिल्कुल बाहर थी। इसके बाद जंजन उस ड्रेस को ले लेती है और कहती है कि ठीक है मैं इसे ले लूँगी। इसके बाद जब पे करने की बारी आती है तो वहाँ पर कहते हैं कि कैश या फिर कार्ड। जंजन बड़ी ध्यान से बॉक्सू को देख रही होती है, तभी बॉक्सू कहता है कि कैश या कार्ड, किससे पे करूँगी? तभी जंजन कहती है कि तुम पे करने वाले थे ना। बॉक्सू कहता है कि हैं मैं क्यों पे करूँगा? जंजन कहती है कि तुम पे नहीं करने वाले। इसके बाद वो थोड़ी एम्बैरेस हो जाती है बिकॉज उसे पे करना पड़ेगा और अब वो मना भी नहीं कर सकती। इसके बाद वो अपने बजट से बाहर वाली ड्रेस खरीदती है जिसे खरीदने में उसकी दिल और जान को सूख रहे थे। ऐसे ही मैक्सिको पहुंच जाते हैं। जंजन बॉक्सू को एक मिनट के लिए भी छोड़ने को तैयार नहीं थी। इसके बाद बॉक्सू कहता है कि बाहर जाओ। तभी जंजन कहती है कि मुझे पता है कि तुम भाग जाओगी, मुझे तुम पर हर टाइम नजर रखनी है, मैं नहीं चाहती कि तुम फिर से गायब हो जाओ। इसके बाद बॉक्सू अपने कपड़े उतारने लगता है और कहता है कि ठीक है तुम मुझे ऐसे ही देखो। इसके बाद जंजन बाहर भाग जाती है और कहती है कि तुम बहुत शेमलेस हो। इसके बाद अगले दिन जब बॉक्सू अपने घर से बाहर निकलता है तो यहाँ पर वो देखता है कि जंजन उसके रूम के बाहर ही वेट कर रही है और वो काफ़ी सुबह से वहाँ पर बैठी है ताकि बॉक्सू उसे चकमा देकर वहाँ से भाग ना जाए। इसके बाद बॉक्सू जाने लगता है और जंजन उसका पीछा करने लगती है कि तुम बताओ तो आखिर कहाँ जा रहे हो, पर बॉक्सू उसे कुछ भी नहीं बताता। जंजन काफ़ी टाइम तक तो उसका पीछा करती है पर इसके बाद बॉक्सू अपना मोबाइल डस्टबिन में फेंक कर 9:11 हो जाता है। उसके बाद जंजन को कहीं भी नहीं दिखता। यहाँ पर बॉक्सू को देखते हैं जो कि कार रेसिंग करने के लिए जाता है जो कि उसकी एक बहुत ही अच्छी हॉबी है। यहाँ पर वो कार रेसिंग कर ही रहा होता है लेकिन कुछ टाइम बाद ही उन्हें उन सभी को और उसके सारे जो दोस्त थे उन्हें दरअसल पुलिस अरेस्ट कर लेती है बिकॉज वो दरअसल पब्लिक एरिया में कार रेसिंग कर रहे थे जो कि यहाँ की पब्लिक प्लेस के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल रह सकता है। इसके बाद उसे जेल में डाल दिया जाता है। पर जंजन बॉक्सू को ढूंढने के लिए बहुत ही परेशान थी, उसे बॉक्सू कहीं भी नहीं मिलता। वो कंपनी से कॉन्टैक्ट करती है तो उसे एक लेडी मिलने के लिए आती है। यहाँ पर उनके हस्बैंड लॉयर रहते हैं और वो कहती है कि हम जल्दी से जल्दी बॉक्सू को ढूंढ लेंगे। फाइनली उन सभी को बॉक्सू मिल ही जाता है और अपने लॉयर को हायर करके बॉक्सू को बाहर निकाल लिया जाता है। यहाँ पर जंजन कहती है कि तुम ठीक तो हो ना? तभी बॉक्सू जंजन पर ही गुस्सा होता है कि आखिर तुम इतनी लेट क्यों आई। जंजन उसे कहती है कि पहले तो तुम मुसीबत में पड़ो उसके बाद मुझे ही ब्लेम करो। वाह क्या आइडिया है तुम्हारा। उनकी MV की शूटिंग भी एक दिन लेट हो चुकी होती है लेकिन अगले दिन ये सभी अपनी MV की शूटिंग करने के लिए जाते हैं। MV की शूटिंग में काफ़ी दिक्कत आती है बिकॉज उसके प्रोड्यूसर MV की शूटिंग करने में बहुत ही ज़्यादा नखरे दिखा रहे थे, पर जैसे तैसे MV की शूटिंग काफ़ी अच्छे से सक्सेसफुल हो जाती है लेकिन वो सारे बैकअप करके बॉक्सू और जंजन को वहीं पर छोड़ के चले जाते हैं बिकॉज उनकी वजह से उन सारी टीम को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई है। यहाँ पर बॉक्सू और जंजन चलकर ही सारा रास्ता तय करना है। इसके बाद जंजन सामान उठाने में दिक्कत करती है तभी बॉक्सू उसकी थोड़ी हेल्प करता है, पर कुछ टाइम बाद जाकर ही कहता है कि ओ माय गॉड कितना भारी है, चलो पकड़ो इसे। मैं ऐसे क्यों पकड़ूं और मेरे तो हाथ दर्द होने लगे, तुम मेरे असिस्टेंट हो या फिर कुछ और जो कि मुझ पर धौंस जमा रही हो? तभी जंजन कहती है कि 10 सेकंड तो हो ही नहीं पकड़े। तभी बॉक्सू कहता है कि देखो सुबान मत चलाओ। बॉक्सू उन्हीं लेडी के घर पर जाता है। स्टार एंटरटेनमेंट के प्रेसिडेंट की भी एक लौती बेटी भी वहीं पे पढ़ती है। यहाँ पर वो बॉक्सू की बहुत ही बड़ी फैन रहती है। इसके बाद वो बॉक्सू से बातें करती है और बॉक्सू जंजन की उससे बातें करने लगता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना कि सबसे गंदी वाली आंटी यही है। तभी यहाँ पर वो कहती है कि मिस्टर बॉक्सू मुझे तो लगता है कि आप ना जंजन को पसंद करते हो। तभी जंजन और बॉक्सू दोनों एक साथ कहते हैं कि इम्पॉसिबल, मेरे टाइप की बिल्कुल नहीं। जंजन कहती है कि हाँ दरअसल ये मेरे टाइप का नहीं है। इसके बाद दोनों ही अपने रास्ते चले जाते हैं।
अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सभी मेक्सिको से वापस आ जाते हैं। यहाँ पर एयरपोर्ट पे जेनजन किसी को देखती है और उसे जीरो ही मिस इंटरप्रेट करके उसके पीछे पीछे जाती है। तभी बॉक्सू नोटिस करता है कि जीरो को इतना क्यों पसंद करती है। अगले दिन जब जेनजन बॉक्सू के घर पर आती है तो यहाँ पर बॉक्सू उसे अपनी शर्ट प्रेस करने के लिए देता है, जो कि एक बहुत ही इंटरनेशनल ब्रांडेड शर्ट होती है और उसकी बहन ईरा ने उसे गिफ्ट की थी। इसके बाद जेनजन उसे प्रेस करने लगती है और बातों बातों में बॉक्सू से कहता है कि तुम जीरो को क्यों पसंद करती हो, तो मुझे इतना हैंडसम भी नहीं है ना ही इतना स्मार्ट है। तभी जेनजन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा तोप हो क्या, तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं हो और मुझे जीरो ही जैसे स्वीट लड़के अच्छे लगते हैं तुमने। के बाद उन दोनों में झगड़ा होने लगता है क्योंकि बॉक्सू को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि जेनजन उसके सामने जीरो की तारीफ करे। इसके बाद बातों बातों में जेनजन का ध्यान हट जाता है और बॉक्सू की इतनी इंटरनेशनल ब्रांडेड शर्ट को जला देती है। इसके बाद वो जीरो से बात करने के लिए जाती है। यहाँ पर बॉक्सू से पीछे से आकर डरा देता है और कहता है कि सुनो अब तुम्हें कैसे ना कैसे करके इस बिगाड़े हुए काम को ठीक करना है। इसके बाद जेनजन उस शर्ट को लेकर अपने घर पर जाती है। अब फदैडू कहती है कि वो उसके पैसे तो चुका नहीं सकती। इसके बाद वो अपनी कुछ कलाकारी दिखाकर उस पर कुछ डिज़ाइन बनाकर उसे थोड़ा अच्छा बना देती है और वैसा लग नहीं रहा था कि उस पर चला हुआ है। तभी जेनजन कहती है कि अभी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें लगता है कि बॉक्सू से मान जाएगा। तभी जेनजन कहती है कि पता नहीं, आई होप वो मान जाए। अगले दिन टैलेंट शो में जीरो ही पार्टिसिपेट करता है, पर वहाँ पर उसकी जो रैंक है वो फिफ्थ लगती है, फर्स्ट नहीं लगती, लेकिन फिर भी सभी लोग उसे सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर जेनजन भी उसके लिए चेयर अप करती है। तभी यहाँ पर जीरो को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। उसके बाद जेनजन से मिलकर वो जाने लगता है। जेनजन उसके लिए मेक्सिको से गिफ्ट लेकर आई थी, वो उसे देने वाली थी, पर इतने में ही जीरो ही चला ही जाता है। इतने में ही यहाँ पर बॉक्सू आता है और कहता है कि ये गिफ्ट में क्या है। यहाँ पर वो जेनजन से वो गिफ्ट को ले लेता है। इसके बाद दोनों लड़ाई करने लगते हैं और इतने में ही वो गिफ्ट नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। जेनजन उस गिफ्ट को लेकर चली जाती है और उस बॉक्सू पे बहुत ज्यादा गुस्सा भी होती है, बिकॉज उसका इतना प्यारा सा गिफ्ट टूट गया होता है। बॉक्सू का न्यू सॉन्ग रिलीज होने वाला था। इसके बाद बॉक्सू के डैड, जो कि बहुत ही बड़ी बिजनेसमैन है, वो अपना एक मॉल उसके सॉन्ग को प्रमोट होने के लिए दे देते हैं। यहाँ पर कंपनी के बहुत सारे बड़े बड़े लोग उसके सॉन्ग को देखने के लिए आते हैं, बिकॉज ये बॉक्सू की फर्स्ट सिंगल एल्बम थी और इसके बाद अभी उसका फ्यूचर डिसाइड होने वाला था, उसका परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाला था और काफी ज्यादा नर्वस था। तभी उसका स्टाइलिस्ट उसे मोटिवेट करता है। यहाँ पर वो जेनजन को ढूंढ आता, बिकॉज जेनजन उसे आसपास कहीं भी नहीं दिख रही थी। इसके बाद वो जेनजन की चिंता करता है और कहता है कि वो ठीक तो होगी ना। तभी वो कहता है कि हाँ होगी, मैं उसकी चिंता क्यों करूँ। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।